अच्छा जी, जो हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ हेडेक है दैट इज़ अल्कोहलिक हेडेक, जो अल्कोहल की वजह से होता है, शराब पीने की वजह से हेडेक होता है, ठीक है, अल्कोहलिक हेडेक। मैनी पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड अल्कोहलिक हेडेक इफ़ दे ड्रिंक अल्कोहल। अल्कोहल बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी टू द टिश्यूज़, इट डायरेक्टली इरीटेट्स द मेनिंजेस एंड कॉज द इंट्राक्रेनियल पेन, ठीक है। डिहाइड्रेशन में ऑल्सो प्ले अ रोल इन द हैंगओवर दैट फॉलोज एन अल्कोहलिक बेंच। हाइड्रेशन यूजली अटेनुएट्स बट डज नॉट अबॉलिश हेडेक एंड अदर सिम्टम्स ऑफ द हैंगओवर। अल्कोहलिक हेडेक जो है ये अल्कोहल के पीने की वजह से होता है। अल्कोहल टिश्यूज़ के लिए बहुत टॉक्सिक है और मेनिंजेस को डायरेक्टली इरिटेट करती है और इंट्राक्रेनियल पेन होता है। इसके अलावा अल्कोहल पीने से डिहाइड्रेशन भी होती है, ठीक है, और हाइड्रेशन आप देते हो लेकिन उसको वो हेडेक को अबॉलिश नहीं करती और ना ही सिम्टम्स हैंगओवर के सिम्टम्स को अबॉलिश करती है। अब हमारे पास आते हैं जी एक्स्ट्रा क्रेनियल हेडेक, ठीक है, सर दर्द जिसकी कॉज ब्रेन के अंदर नहीं है। सबसे पहले हमारे पास आता है हेडेक रिजल्टिंग फ्रॉम मसल स्पैज़म। जब आपके मसल्स का स्पैज़म होता है तो हेडेक होता है, इसको डिस्कस करते हैं। हेडेक रिजल्टिंग फ्रॉम मसल स्पैज़म, इमोशनल टेंशन ऑफन कॉजेज मैनी ऑफ द मसल्स ऑफ द हेड, स्पेशली द मसल्स अटैच्ड टू द स्कैल्प एंड द नेक मसल्स अटैच्ड टू द ऑक्सीपोट। इमोशनल टेंशन जो है उसे हेड के मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, स्पेशली जो स्कैल्प और नेक से हैं और जो ऑक्सीपिटल ऑक्सीपोट से अटैच है, यानी आपके ब्रेन के पिछले पार्ट से अटैच हैं, उनमें स्पैज़म आ जाता है और ये जो है कॉमन कॉज ऑफ हेडेक है जो अक्सर ख्वातीन को और मर्दों को रहता है। द पेन ऑफ द स्पैस्टिक हेड मसल्स इज रेफर टू द ओवरलाइंग एरियाज ऑफ द हेड एंड गिव्स वन द सेम टाइप ऑफ हेडेक एज टू इंट्राक्रेनियल लीजन्स। बिल्कुल वैसा ही ये हेडेक फील होता है जैसे कोई इंट्राक्रेनियल लीजन हुआ है। दूसरा हेडेक हमारे पास होता है कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ नेजल एंड एक्सेसरी नेजल स्ट्रक्चर्स। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड नेजल साइनसेस आर सेंसिटिव टू पेन बट नॉट इंटेंसली सो, ठीक है। जो नोज़ और नेजल टिश्यूज़ हैं उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं वो पेन के लिए सेंसिटिव हैं। इन्फेक्शन और अदर इरिटेटिव प्रोसेस इन द वाइड स्प्रेड एरियाज ऑफ द नेजल स्ट्रक्चर्स ऑफन एड अप एंड कॉज हेडेक दैट इज़ रेफर्ड बिहाइंड द आईज और इन द केस ऑफ द फ्रंटल साइनस इन्फेक्शन टू द फ्रंटल सर्फिस ऑफ द फोरहेड एंड इट्स कैप, ठीक है। अब जो हमें हेडेक नेजल साइनसिस की वजह से होता है, जो फ्रंटल नेजल साइनसिस हैं वो आपके नोज़ के सामने होते हैं तो इसलिए उसका पेन जो है वो फोरहेड और स्कैल्प की फ्रंटल सर्फिस पे होता है। और उसके अलावा जो बाकी के नेजल साइनसिस हैं उनका हेडेक आपको कान के पीछे फील होता है। इसके अलावा जो लोअर साइनसिस से पेन है जैसे मैक्सिलरी साइनसिस हैं वो आपको फेस में भी पेन फील होता है, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट वो हैं हेडेक कॉज बाय इरिटेशन ऑफ नेजल एंड एक्सेसरी नेजल स्ट्रक्चर।